Hey all my lovelies, welcome back to the channel. I hope आप सब बहुत अच्छे से हो, खूब मजे से हो और आज है संडे तो आप अपनी फैमिली के साथ वीकेंड को खूब जम के इंजॉय भी कर रहे हो. सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मीशो पर चल रही है सेल, विच इज मीशो महा इंडियन सेविंग सेल, जो कि 20th and 21st of July को है, जहाँ पे आपको ह्यूज डिस्काउंट एंड यू नो अमेजिंग डील्स मिलने वाली है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ आज एक पार्टी एंड फेस्टिव वेयर यू नो कलेक्शन शेयर करूँ. टोटल 15 आउटफिट्स आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि कुर्ती, कुर्ता सेट्स, अनारकली गाउन एंड कॉट सेट्स होने वाले हैं. कुछ एक आधा आपको अफगान सेट भी दिखने को मिलेगा. बहुत ही प्यारा एंड मोस्ट अफोर्डेबल कलेक्शन होने वाला है. सारे एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडिंग पीसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो कि आज आपको मीशो पर इस सेल में बहुत ही अच्छे वाले डिस्काउंट पर मिलने वाले हैं. एनीवेज, ये वैसे भी बहुत अफोर्डेबल है और अगर आप आज ले लेते हो इनको तो ये बहुत ही अच्छे वाले डिस्काउंट में आपको मिल जाएंगे. न्यूट्रल शेड्स हैं, इंडियन स्किन टोन्स के हिसाब से किसी भी फेस्टिवल में आप आराम से वेयर कर सकते हो. इन सभी के जो डायरेक्ट मीशो लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप इसमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो उन लिंक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा. एंड यस, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना. आप लोगों को पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा. आप चाहो तो इसको शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक कलेक्टिव यू नो फेस्टिव वेयर हॉल वीडियो है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल भी रहेगी. एंड ऐसे ही आप अफोर्डेबल फैशन हॉल वीडियोज इन फ्यूचर देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाइएगा. अब चलिए जल्दी से चलते हैं और आज का ब्यूटीफुल सा हॉल पटाना चेक. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारे कंप्लीट कुर्ता सेट के साथ, जो कि आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा. और इसमें आपको टोटल 4 कलर्स अवेलेबल हैं. तो मैंने इसमें पीच का वेरियंट ले लिया है, क्योंकि पीच इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल शेड, ये हर किसी के ऊपर अच्छे से जाता है. एनीवेज, जो उसके और शेड्स भी हैं वो भी ट्राई करके देख सकते हो. तो ये बहुत ही अच्छे आपको यू नो कॉटन फैब्रिक में मिल जाता है, जो कि फाइन प्रीमियम एंड यू नो थिक फैब्रिक है. आप इसको आराम से किसी भी मौसम में वेयर कर सकते हो. कुछ ऐसा आपको इसमें बैंड कॉलर दिया हुआ है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है. ये पूरा पैच वर्क है, जो कि वी नेक में है और आपको इसमें पूरा सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाता है, जो कि एकदम नीट एंड क्लीन है. बाकी फ्रंट में आपको ये पैच दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो इसका पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से रहेगा. एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है एंड ये बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है. ये जो आप देख रहे हो, ये इसका पूरा बेल्ट पोर्शन है, जिसमें आपको गोटा पट्टी की डिटेलिंग भी दे रखी है. तो इसका लुक जो है कुछ ऐसे ही हो जाएगा कुर्ते का. बाकी ये जो आप देख रहे हो पूरा फ्लोरल प्रिंट, ये फैब्रिक प्रिंट है, ये ऐसे ही इंटैक्ट रहने वाला है. बट आई विल सजेस्ट कि इसको जो है आप घर पे हैंड वॉश कीजिए. यहाँ पे आपको 3-4 स्लीव्स मिल जाएंगी एंड इधर आपको पैच वर्क मिलता है, जिसमें आपको अगेन सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा. वेरी प्रिटी एंड अ डिसेंट पीस. और इसका जो है ना बहुत अच्छा प्राइस है, आई थिंक समवेयर अराउंड 750 कुछ का है. तो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली भी ये अमेजिंग है. बाकी एग्जैक्ट प्राइस आप इस टाइम स्क्रीन यू नो स्क्रीन पर देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा. यहाँ पे वेस्ट तक एकदम परफेक्ट फिट है, उसके बाद आप देख सकते हो इसमें काफी अच्छा खासा आपको प्लीटेड पैटर्न दिया हुआ है. इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है और इसकी हाइट भी काफी अच्छी है. इफ यू आर इनटू हाइट यू नो 5'8" और 5'9" तो भी आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो. नीचे इसका फ्लेयर आप देख सकते हो कुछ ऐसा है एंड कलर कॉम्बिनेशन इसके काफी प्रिटी है. सो ओवरऑल जो है आपको ये कुछ इस तरीके की लुक में मिल जाएगा पूरा कुर्ता. बाकी आप ट्रायल को देख सकते हो. बैक साइड पे भी आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिल जाएगा. जस्ट लुक एट दिस. पीछे भी आपको वेस्ट में जो है ना ये पूरा प्लीटेड पैटर्न मिलता है, तो ये इसका फ्लेयर काफी अच्छा बना देता है. तो ये है गाइस इसका कुर्ता. इसके साथ जो बॉटम वेयर मिला है वो भी आपको कॉटन में ही मिल जाएगा और बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड फाइन यू नो स्किन फ्रेंडली फैब्रिक है इसका. सेमी इलास्टिकेटेड बॉटम वेयर है, आगे से ये बेल्टेड रहेगा, पीछे से इलास्टिकेटेड है. एंड इसमें आपको कुछ इस तरीके का प्रिंट देखने को मिल जाएगा ऑल ओवर, जो कि फैब्रिक प्रिंट है. बात करें अगर हम इसके फिट की, तो ये कुछ इस तरीके से आपको रेगुलर फिट का जो है पैंट मिल जाता है, विच इज वेरी कंफर्टेबल. आप इसको पूरा दिन भी वेयर करना हो तो बहुत इजिली वेयर कर. इसके साथ जो हमें दुपट्टा मिला है वो शिफॉन फैब्रिक का है और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. अगेन फुल लेंथ एंड विड्थ के साथ इसका आपको दुपट्टा मिल जाएगा. ये देखिए कुछ इस तरीके से है. यहाँ पे इसके लेंथ और विड्थ में आपको ये वाला पूरा क्रोशे का जो है लेस डिटेलिंग दिया हुआ है. बाकी बीच में आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया है, काइंड ऑफ यू नो लहरिया प्रिंट का पैटर्न दिया हुआ है पूरा पेज कलर का, जो कि बहुत प्रिटी लग रहा है. ऑल ओवर बहुत प्यारा कुर्ता सेट है, अफोर्डेबल है. आप इसको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे ले सकते हो आज मीशो से, तो जरूर ट्राई करके देखिएगा. नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी ये प्यारा सा कंप्लीट कुर्ता सेट, जिसकी क्वालिटी मतलब बहुत अमेजिंग रिसीव हुई है मुझे. कई बार ऐसी चीजें होती है मीशो पर जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मिलती है. एंड प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली तो ये वाला भी बहुत प्यारा मिला है. आई थिंक इसमें एक ही कलर अवेलेबल है, अगर और शेड्स हुए इसमें तो मैं उनका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी. बहुत ही प्यारे से आपको यू नो कॉटन फैब्रिक में मिल जाएगा और इसका फैब्रिक जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. कुछ ऐसा राउंड नेक है इसमें, जिसमें आपको पूरा ही पैच वर्क मिलेगा, हैवी सीक्वेंस का वर्क मिल जाता है. और ये जो है ना सब मुझे लिबास के यू नो कुर्ता सेट्स की एक वाइब देता है, क्योंकि उसमें भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से फैब्रिक भी ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है और पूरा वर्क भी ऐसे ही रहता है लिबास के कुर्ता सेट्स में. तो इसमें आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की लुक है. राउंड नेक, यहाँ पे आपको ये पूरा पैच पे दे रखा है, ये हैवी सीक्वेंस
और जरी का वर्क जो कि काफी प्यारा है। एंड बीच में पूरे फ्रंट पैनल पे आपको ये छोटा वाला जो है फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और जरी का वर्क मिल जाएगा। सो ऑल ओवर इस कुर्ते की लुक जो है वो कुछ ऐसी है। ये भी स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, इसकी फिट भी काफी अच्छी आई है और इसकी लेंथ भी अच्छी है। हल्का सा जो है आप देख सकते हो इस कुर्ते में आपको शाइन दिखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अगर हम स्लीव की बात करें तो इसमें हमको 3/4 स्लीव मिलेंगी। स्लीव्स के एंड पे भी हमको ये पैच वर्क मिल जाता है जिसमें पूरा सीक्वेंस है जरी का वर्क हो रखा है। ये देखिए कुछ ऐसा फिट वाइज ये बहुत ज्यादा प्रिटी है। और बैक साइड पे ये आपको सेम इसी तरीके का सॉलिड शेड मिल जाएगा। तो ये है गाइस कुर्ता। इसके साथ जो बॉटम वेयर मिला है वो भी सेम फैब्रिक का और सेम शेड का होने वाला है। सॉलिड कलर का है ये जो कि सेमी इलास्टिकेटेड है। ये देखिए आगे से ये बेल्टेड रहेगा, पीछे से ये इलास्टिकेटेड है। वन साइड इसमें आपको अच्छी डेप्थ में पॉकेट दी हुई है। और अगर हम इसके फिट की बात करें तो ये एक रेगुलर फिट का पैंट है। एंड यू कैन जस्ट यू नो सी कि ये कितना ज्यादा सॉफ्ट एंड फाइन फैब्रिक है इसका, एकदम स्टडी है और बहुत अमेजिंग रिसीव हुआ है। ये देखिए कुछ इतना इसका फ्लेयर है। बाकी आप ट्रायल में देख सकते हो कि इसकी फिट बहुत अच्छी आई है। कॉन्ट्रास्ट में इसके साथ हमको मिलेगा दुपट्टा जो कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक का है एंड दिस इज रियली वेरी प्रीमियम। और एक चीज और जो मैं नोट करती हूँ ना, मतलब मीशो पे जो पैकेजिंग आती है ना वो बहुत अच्छी होती है। मतलब वेल यू नो क्रीज्ड वेल पैक्ड होते हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स। वेयर इन कुछ साइट्स ऐसी हैं जिसमें आपको एकदम गोले बना के देते हैं बट यहाँ पे आपको एकदम इंटैक्ट यू नो पीस मिलता है। यहाँ पे आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक का स्टोल मिलेगा। विड्थ इसकी इतनी रहेगी और विड्थ के इसमें चारों कॉर्नर्स पे आपको ये टैसल वर्क मिल जाएंगे। पूरा यहाँ पे आपको पीकॉक पे दिया हुआ है और ये कॉन्ट्रास्ट में कुछ इस तरीके से है। साइड पे पूरा मरून बॉर्डर दिया हुआ है और बीच में पीच कलर पे आपको ये पूरा फ्लोरल डिजिटल प्रिंट मिल जाएगा। ये देखिए पूरा का पूरा ऐसे है। कंप्लीटली वेयर करने के बाद ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो यस मेरी तरफ से तो नो डाउट ये हाईली रिकमेंडेड है, इसको जरूर नेक्स्ट चेकआउट कुर्ता से कीजिए। जो आपके साथ शेयर करूंगी वो वेयर करने के बाद बहुत ज्यादा रॉयल एंड रिच वाइब देता है एंड काफी प्रिटी भी लगता है। ये आपको सिंगल शेड में मिल जाएगा और आप देख सकते हो इसका जो फैब्रिक है वो है विस्कोस सिल्क, बहुत ज्यादा फाइन एंड प्रीमियम क्वालिटी का है ये। एंड ये कुछ ऐसा कलर यू नो ऑप्शन है जो कि हर एज की लेडी इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकती हो। बी यू आर लाइक 18 और 80s, मतलब जो भी आपकी एज हो ना, आप कितने भी सीनियर सिटीजन हो या फिर आप टीनेजर हो, आपके ऊपर ये शेड बहुत अच्छे से जाएगा। तो इसमें ना आपको ये राउंड नेक मिलेगा, फ्रंट में आपको ये पैच वर्क मिल जाता है जिसमें पूरा आपको ये हैवी सीक्वेंस और जरी का वर्क है। एंड आपको इसमें पिंक एंड यू नो कुछ इस तरीके से पिस्ता एंड येलो शेड का पूरा से वर्क मिल जाएगा। ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ये देखिए पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है ये। और ये जो है ना पूरा पैच है अंडरनीथ, आप देख सकते हो ये पूरा क्लॉथ अटैच्ड है। तो ये आप सिक्योरली वेयर भी कर सकते हो, काम खराब भी नहीं होगा और आपको चुभेगा भी नहीं। तो इसका लुक जो है वो कुछ ऐसे है। हल्की सी आपको इसमें जो है सटल सी शाइन मिल जाएगी कुर्ते में। रीजन बिहाइंड इसका फैब्रिक विस्कोस सिल्क है एंड स्लीव इसमें आपको 3/4 मिलेंगी जिसके एंड में आपको ये वाला ये पूरा जो आप देख रहे हो ना येलो एंड पिंक शेड, दिस इज एम्ब्रॉयडरी वर्क। ये बिल्कुल भी वो नहीं है यू नो फैब्रिक नहीं है, ये पूरा इसमें एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। साथ में आपको सीक्वेंस और जरी का वर्क मिल जाता है कुछ ऐसा। कट डिटेलिंग भी दे रखी है विच इज वेरी नाइस। बीच में ये पूरा आपको यू नो सॉलिड कलर का मिलेगा। स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, इसका फिट बहुत अच्छा आया है। और आप देख सकते हो नीचे से जो है आपको अगेन सेम ये वाला पूरा पैच दिया हुआ है इन्होंने, जिसमें ये पूरा आपको एम्ब्रॉयडरी का ही वर्क मिल रहा है सीक्वेंस एंड जरी का। लुक एट दिस, कट डिटेलिंग के साथ मिलता है, बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है ये। एंड ये जो है ना गाइस बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, आप देख सकते हो कि मतलब क्रीम शेड है और इसको आप विदाउट एनी स्लिप यू नो ऐसे ही वेयर कर सकते हो, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। बैक साइड पर आपको ये पूरा इसी प्रिंटिंग पैटर्न में मिल जाएगा। एक चीज और, इसके अंडरनीथ ना आपको इन्होंने लाइनिंग प्रोवाइड करा रखी है जो कि वेस्ट तक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए पूरा वेस्ट लाइन तक आपको ये लाइनिंग दे रखी है सो दैट यू नो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सको। एंड एनी वेज ये वैसे भी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो काफी अच्छे से चलेगा। इसके साथ जो इन्होंने बॉटम वेयर दिया है ना वो सेम फैब्रिक का है और सेम शेड का है, सेमी इलास्टिकेटेड। आगे से ये बेल्टेड है, पीछे से इलास्टिकेटेड रहेगा। और अगर हम इसके फिट की बात करें तो ये एक रेगुलर फिट का पैंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है इसका एंड इसका फिट बहुत अच्छा आया है। आप अपनी और यू नो जो थोड़ी सी हैवी लुक में कुर्तीज होती है सेपरेट कुर्तीज, उनके साथ इसको क्लब कर सकते हो, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। इसके साथ जो इन्होंने दुपट्टा दिया है वो और भी ज्यादा ग्रेसफुल है जो कि आपको कॉटन सिल्क फैब्रिक में मिल जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसा है ये, एक सर स्टोल बेसिकली यहाँ पे आपको इतनी विड्थ मिल जाएगी जो कि स्टिचिंग में मिल रही है एंड बीच में आपको ये पूरा ये मिल जाता है यू नो फ्लोरल पूरा एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस का वर्क है, जरी वर्क है एक्चुअली ये। एंड इसकी पूरी लेंथ पे आपको दोनों ही तरफ ये कट डिटेलिंग का पैच मिल जाएगा कुछ ऐसा, जिसमें सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो इसके दुपट्टे की लुक कुछ ऐसी हो जाती है। बाकी आप ट्रायल को देखना, आपको बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है। दिस इज दी दुपट्टा।
अमेजिंग वन, आप इसको अपने वार्डरोब में जरूर रखिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल सा कंप्लीट कुर्ता सेट जो कि आपको 100% मल कॉटन में मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड फाइन है। इसका लुक कुछ ऐसे है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वी नेक दिया हुआ है और इधर आपको पूरा ये एम्ब्रॉयडरी या सीक्वेंस का वर्क मिल जाता है जो कि काफी नीट एंड क्लीन है। कुछ आलिया कट का पैटर्न दिया हुआ है इसमें कुछ ऐसा, ऊपर से ये वी नेक है और नीचे से आपको ये वाला डिटेलिंग मिल जाएगा। अगेन इसमें भी आपको सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क दिया हुआ है। नाउ आई एम इन जस्ट लव विद द फ्लोरल प्रिंट, इसका जो यू नो शेड इन्होंने यूज करे हुए हैं इसमें और जो इसका ओवरऑल प्रिंट कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही प्रिटी है। इसका लुक कुछ ऐसे है, ये पूरा फैब्रिक प्रिंट आपको ही मिलेगा। स्लीव इसमें आपको 3/4 मिल जाती है, हल्का सा इसमें फोल्डिंग पैटर्न दिया हुआ है एंड यू कैन लुक एट द शेड्स, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं ये। तो इसका लुक कुछ ऐसे हो जाएगा, वेस्ट तक एकदम परफेक्ट फिट है। उसके बाद ये प्लीटेड पैटर्न है इसपे और आप देख सकते हो नीचे इसका फ्लेयर बहुत अच्छा खासा है और इसकी लेंथ भी काफी अच्छी है। अगर आपकी हाइट 5'9" तक भी है तो भी आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। ये देखिए कुछ ऐसे इसकी लुक हो जाएगी ओवरऑल पूरे कुर्ते की, एंड बैक साइड पे भी आपको ये सेम ऐसे ही मिल जाएगा ऐसे। एंड इधर जो है आपको इसके यहाँ तक वेस्ट लाइन तक इन्होंने अंदर से जो है लाइनिंग भी प्रोवाइड करा रखी है तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। बाकी नीचे इसका फ्लेयर बहुत अच्छा खासा है, कुछ इतना इसका फ्लेयर हो जाएगा, लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। इसके साथ इन्होंने कॉम्बिनेशन में जो बॉटम वेयर दिया है वो सिंपल ब्लैक कलर का है जो कि क्रेप फैब्रिक में है, बट इसका जो फैब्रिक है वो काफी अच्छा है, फुली इलास्टिकेटेड है, बहुत अच्छा खासा इसमें आपको आसन मिल जाएगा। एंड अगर हम इसके फिट की बात करें तो ये एक रेगुलर फिट का पैंट है। अगेन आई से कि आपकी ना बहुत सारी कुर्तीज के साथ क्लब हो जाएगा। साथ में इसके जो हमको दुपट्टा मिला है वो जॉर्जेट फैब्रिक का है, फुल लेंथ एंड विड्थ पे हमको मिलेगा। ये देखिए कुछ इतनी इसकी विड्थ है, दोनों ही साइड में विड्थ पे आपको ये कुर्ते का फैब्रिक दिया हुआ है इन्होंने एंड साथ में गोटा पट्टी की डिटेलिंग है। रेस्ट बीच में ये आपको पूरा सॉलिड ब्लैक कलर का ही मिलेगा। ये देखिए और ये हो जाता है इसका दूसरा सिरा। ओवरऑल वेयर करने के बाद मुझे बहुत प्यारा लगा एंड प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली भी अच्छा है, तो आप इसको भी ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट जो कि कंप्लीट कुर्ता सेट है, बहुत अच्छा लगता है। और इसका जो फैब्रिक है ना इसको ना सिल्क आर्टिफिशियल सिल्क टाइप्स का है तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। यू कैन सी इसका फैब्रिक कुछ इस तरीके का रहेगा। बाकी इसमें कलर जो है ना कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्रिटी लगे, कुछ ऐसा वी नेक में आपको मिलेगा। इधर आपको पूरा पैच में ये सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाता है, ये भी काफी नीट एंड क्लीन वर्क है। रेस्ट ये जो आप पूरा फ्लोरल प्रिंट देख रहे हो ना ये डिजिटल प्रिंट है, फैब्रिक प्रिंट है, आप इसको घर पे हैंड वॉश भी कर सकते हो। इसका लुक कुछ ऐसे हो जाएगा कुर्ते का, स्लीव इसमें आपको 3/4 मिलेंगी एंड यू कैन सी की इसमें हल्की सी ना आपको शाइन देखने को मिल रही है और इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो जैसी लुक है इसकी, स्ट्रेट फिट का कुर्ता है ये एंड इसका फिट बहुत अच्छा आया है। ये देखिए बहुत अच्छी खासी लेंथ है इसकी, आपकी हाइट अगर 5'6" 7" तक भी है तो भी आप इसको आराम से वेयर कर सकते हो। एंड इसमें जो है आपको लाइनिंग दे रखी है इन्होंने वेस्ट तक, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर तक आपको इसमें वेस्ट में लाइनिंग दे रखी है तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो, फ्लिमजी नहीं रहेगा एंड काफी रिच लगता है वेयर करने के बाद। बैक साइड पे भी आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न में मिल जाएगा, तो मुझे तो ये ओवरऑल वेयर करके काफी प्रिटी लगा था। इसके साथ आपको विस्कोस में जो है मिल जाएगा इसका बॉटम वेयर जिसमें हल्की सी एक शाइन है और यहाँ पे आपको ये फुली इलास्टिकेटेड पीच कलर का जो है बॉटम वेयर मिलेगा। फिट की अगर हम बात करें तो सॉलिड कलर का रेगुलर, हल्की सी इसमें शाइन है, बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है। एंड ये वाला सेट भी जो है ना गाइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। इसके साथ आपको कॉटन सिल्क का दुपट्टा मिल जाएगा एंड दुपट्टा भी इसका बहुत बेस्ट है। ये देखिए स्टोल है, ये इसकी जो विड्थ है वो इतनी रहेगी एंड इसमें आपको चारों तरफ ये टैसल वर्क दे रखे हैं पीच एंड यू नो गोल्डन कलर के। बाकी आपको इसके लेंथ में दोनों ही तरफ ये बोला पूरा जरी का वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा, सीक्वेंस भी है एंड कट डिटेलिंग दिया हुआ है। तो ये वाला जो इसका पूरा वर्क है इसकी लेंथ में दोनों ही तरफ रहेगा, ये देखिए कुछ ऐसे। बाकी बीच में आपको ये छोटा वाला जो है इस तरीके का सीक्वेंस का और एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा, सीक्वेंस एंड जरी का। सो ऑल ओवर ये वेयर करने के बाद बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत पसंद आई एंड प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये बहुत प्यारा है। रक्षाबंधन है और बहुत सारे यू नो त्योहार आने वाले हैं, आप इसको किसी भी ओकेजन में वेयर करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत प्यारे लगने वाले हो, इसको भी आप ट्राई करके देख। नेक्स्ट कुर्ता सेट जो है वो भी काफी ट्रेंडिंग है और एकदम लेटेस्ट है इस टाइम मीशो पर। इसका जो फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड फाइन फैब्रिक है इसका, आप देख सकते हो काफी प्यारे आपको ना ब्लू शेड में मिल जाएगा। ये बैंड कॉलर है इसका जिसमें आपको ये पूरा पैच मिलता है, इसमें एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा आपको एंड इसका लुक कुछ ऐसे रहेगा। बाकी पूरे ही कुर्ते के फ्रंट में आपको ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा, ये जो पीच और यू नो ऑरेंज कलर के आप फ्लावर्स देख रहे हो ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है। साथ में आपको ये जरी एम्ब्रॉयडरी भी मिल जाएगी, वो ये क्रोशे
की जो है लेस डिटेलिंग पूरे इसके फ्रंट में दे रखी है। तो अगर मैं आपको फ्रंट लुक इसका दिखाऊँ ना तो कुछ ऐसे होने वाला है। बाकी आप देख सकते हो ट्राई ऑन को कि ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। ए लाइन कुर्ता है ये, अंडरनीथ इसमें आपको दे रखी है लाइनिंग, तो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं रहेगा। पूरा आप देख सकते हो यही वर्क जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक जाएगा। एंड इसमें जो है नीचे से इन्होंने दे रखी है लाइनिंग, ये देखिए कुछ ऐसी लाइनिंग है, तो ये सी थ्रू नहीं है। बाकी अगर मैं इसका आपको फ्लेयर दिखाऊं तो इसका फ्लेयर जो है वो कुछ इतना हो जाता है। नीचे से भी आपको ये पूरा एम्ब्रॉयडरी का डिफरेंट वर्क दिया हुआ है, तो कुछ ऐसा लुक है इसका। डिफरेंट शेड है, इंग्लिश ब्लू शेड है, जो कि सब पे बहुत प्यारा लगेगा, एकदम फेस्टिव वाइब देता है ये भी वेयर करने के बाद। स्लीव इसमें आपको ऑर्गेन्जा की ही मिलेंगी, ऑलमोस्ट फुल स्लीव है, मतलब 3/4 से थोड़ी बड़ी स्लीव है, जिसमें आपको ये फ्रिल पैटर्न दिया हुआ है। एंड ये वाला पूरा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, ये देखिए कुछ ऐसा एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया हुआ है इसमें, ये भी काफ़ी प्यारा लगता है। एंड बैक साइड पे ये पूरा का जो है पूरा एकदम सॉलिड कलर का है, हल्की सी एक शाइन है इसमें क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक में हल्की सी शाइन होती है। इसके साथ जो हमको बॉटम वेयर मिला है वो क्रेप फैब्रिक में है, सॉफ्ट फाइन क्रेप है ये, फुली इलास्टिकेटेड। आसन इसका काफ़ी अच्छा खासा है एंड इसकी फिट आप देख सकते हो, रेगुलर फिट का पैंट है। नीचे आपको ये ऑर्गेन्जा का यू नो डिटेलिंग दिया हुआ है, कट डिटेलिंग, जिसमें पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है। नाउ इसके अगर हम दुपट्टे की बात करें तो वो भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक में ही रहेगा। ये देखिए कुछ ऐसे फुल लेंथ एंड विड्थ के साथ आपको ये मिल जाएगा, जिसमें कि आपको चारों ही तरफ ये क्रोशे की जो है लेस डिटेलिंग दी हुई है एंड बीच में आपको ये पूरा यू नो डिजिटल प्रिंट दिया हुआ है, फ्लोरल प्रिंट। ये देखिए रेस्ट आपको ट्राई ऑन देख के इसका एग्जैक्ट आइडिया होगा कि ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। अगर आपको कुछ इस तरीके के डिफरेंट शेड्स वेयर करने पसंद है आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी एक मस्ट हैव शेड जो कि बहुत प्यारा सा ये मस्टर्ड कलर है, और ये तो हमें कभी भी इसकी जरूरत पड़ जाती है तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। बहुत ही प्यारे से ये आपको कॉटन सिल्क फैब्रिक में मिल जाएगा। इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड फाइन है, सिंगल कलर में ही अवेलेबल है ये। एंड इसमें आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का नेक दिया हुआ है, जिसमें पूरा आपको हैवी जरी सीक्वेंस एंड यू नो एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसा, नीचे आपको कुछ इस तरीके की डिटेलिंग दे रखी है जो कि बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही है इस कुर्ते पे। एंड हल्की सी आपको इसमें शाइन देखने को मिलेगी। रेस्ट ये जो आप छोटा छोटा पूरा सीक्वेंस का काम देख रहे हो ये वाला, ये आपको पूरे कुर्ते के फ्रंट पैनल पे मिल जाएगा कुछ ऐसे। तो इसकी ओवरऑल लुक जो है कुर्ते की कुछ ऐसी रहेगी। स्लीव इसमें आपको 3/4 मिल जाती है, एकदम सिंपल बेसिक स्लीव है इसकी। एंड बैक साइड पे आपको ये पूरा सॉलिड कलर का मिल जाएगा। ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है ये वेयर करने के बाद। सेम फैब्रिक का और सेम शेप का आपको बॉटम वेयर मिलेगा इसमें, जो कि सेमी इलास्टिकेटेड है। आगे से ये बेल्टेड है, पीछे से इलास्टिकेटेड रहेगा। वन साइड इसमें पॉकेट दी हुई है, और इसके फिट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का रेगुलर फिट का पैट है ये, एकदम यू नो कंफर्टेबल है, आप इसको आराम से वेयर कर सकते हो, बिल्कुल भी टाइट टाइट नहीं है ये। इसके साथ जो हमको दुपट्टा मिल रहा है वो बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गेन्जा फैब्रिक का है, कुछ इस तरीके से मल्टी कलर का मिल जाएगा आपको ये स्टोल। ये है इसकी विड्थ, इतनी विड्थ है इसकी। विड्थ और लेंथ में चारों ही तरफ आपको ये वाला पैचवर्क मिल जाएगा, जिसमें कि सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी का वर्क है एंड कट डिटेलिंग दे रखी है। तो पूरा का पूरा ऐसा ही वर्क है इसके लेंथ और विड्थ में। ये इसकी लेंथ है, और बीच में आप देख सकते हो पूरा ये वाला फ्लोरल डिजिटल प्रिंट दिया हुआ है मल्टी कलर का, जो कि इस कुर्ते के लुक को और भी ज्यादा एनहांस कर रहा है। परफेक्ट पीस टू वेयर इन एनी ओकेजन, तो आप इसको आंख बंद करके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पीस आपके साथ शेयर करूंगी ये वाला, ये भी कंप्लीट कुर्ता सेट है, और ये ना आपको एक बहुत ही सॉफ्ट फाइन यू नो क्रेप फैब्रिक होता है उसमें मिलेगा, और इसके अंडरनीथ आपको मिल जाएगी लाइनिंग। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा राउंड नेक है इसका, एंड जस्ट लुक एट दिस, इसमें आपको बड़ा बड़ा पूरा फ्लोरल प्रिंट दिया हुआ है, जिसमें पूरा हैंडवर्क हो रखा है। ये देख सकते हो आप, पूरा कटडाने का काम है, पर्ल वर्क है पूरा इसमें, स्टिचिंग में है ये काम, और इसकी फ्रंट लुक जो है वो कुछ ऐसी है। इसमें ना आपको डिजिटल प्रिंट दे रखा है, ऊपर से आपको ये बड़ा वाला फ्लावर मिल जाएगा, और नीचे से ये ऐसे पूरा नीचे भी जो है आपको इसमें हैंडवर्क मिल जाएगा ऐसे। तो ये बहुत ज्यादा प्रिटी एंड डिफरेंट लग रहा है। लाइट पीच एंड यू नो डार्क पीच पिंक कलर का जो है इसमें पूरा इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ट्राई ऑन में देखना बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है। इसके अंडरनीथ आपको लाइनिंग दी हुई है, तो ये सी थ्रू भी नहीं है और ये काम आपको चुभेगा भी नहीं। तो नीचे तक पूरी लाइनिंग है इसमें। प्लीज इसमें आपको 3/4 दे रखी है, सिंपल प्लेन, हल्की सी इसमें एक शाइन मिल जाएगी, और ये जो है आपको पूरा बैक साइड पे ऐसे मिलेगा, ऊपर से सॉलिड कलर का है और नीचे से आपको ये ऐसे मिल जाएगा। इसके साथ जो हमको बॉटम वेयर मिला है ये आपको मिल जाएगा कॉटन सिल्क फैब्रिक में, जो कि फुली इलास्टिकेटेड है। एंड इसमें आपको जो है वन साइड पॉकेट दे रखी है अच्छी डेप्थ में, और ये एक सॉलिड कलर का पैंट है जो कि रेगुलर फिट में है। ये देखिए, ये भी जो है वेयर करने पर काफी डिसेंट लगता है, स्पेशली डे ओकेजन के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है ये। इसके साथ हमको स्टोल दिया है इन्होंने, आप देख सकते हो इसकी जो विड्थ है वो कुछ इतनी है, लेंथ इसकी कंप्लीट है, और ये पूरा शेडेड है पिंक एंड पीच कलर का कुछ ऐसा।
सो ऑल ओवर मैं बोलूंगी कि ये भी मतलब इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, रिच लगता है ये भी वेयर करने के बाद। कुछ इस तरीके के डिफरेंट बड़े प्रिंट्स आपको वेयर करने पसंद है, इसको आप ट्राई करके देखना, काफी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस ये आपको 100% कॉटन फैब्रिक में कंप्लीट कुर्ता सेट मिल जाएगा। इसमें आई थिंक और कलर ऑप्शन भी है, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। इसका पीच शेड बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था, आप देख सकते हो कुछ ऐसा। इसमें आपको राउंड नेक मिलेगा, फ्रंट में पैच वर्क है जिसमें आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी एंड यू नो पर्सनल की डिटेलिंग मिल जाएगी कुछ ऐसी। फैब्रिक इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एंड ऑल ओवर इसका जो फ्रंट लुक है वो कुछ ऐसा है। कुर्ते में आपको पूरा ये वाला फैब्रिक प्रिंट देखने को मिल जाएगा। आप इसको घर पे हैंड वॉश कर सकते हो इजीली। 3-4 स्लीव्स हैं इसमें और ये वाला पाइपिंग वर्क मिल जाएगा इसकी स्लीव के एंड पे। प्रिंट आप देख सकते हो काफी ज्यादा प्रिटी लग ना गाइस। ये जो है स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, इसकी फिट बहुत अच्छी आई है। नीचे तक आप देख सकते हो पूरा यही प्रिंटिंग पैटर्न आपको दिखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है। एज अ गिफ्टिंग ऑप्शन भी ये बहुत अच्छा पीस है। बैक साइड पे भी आपको सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिल जाएगा। इसका फैब्रिक आई टेल यू बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है। इसके साथ इन्होंने जो बॉटम वेयर दिया है वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये देखिए कुछ ऐसा। ये भी आपको 100% कॉटन फैब्रिक में मिल रहा है। आगे से ये बेल्टेड है, पीछे से इलास्टिकेटेड रहेगा। आसन आप देख सकते हो इसमें बहुत अच्छा खासा है एंड इसमें आपको दोनों ही साइड में जो है पॉकेट्स मिल जाएंगी। इधर ये स्टिच हो रखा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। इधर से ये देखो दोनों ही साइड में जो है आपको इसमें पॉकेट्स से रखी है, अच्छी डेप्थ है। और इसका फ्लेयर जो है वो कुछ ऐसा एकदम रेगुलर फिट का पैंट है। इधर आपको ये वाला पूरा प्रिंटिंग पैटर्न मिल जाएगा, ये देखिए। फैब्रिक इसका भी काफी अच्छा है और सबसे अच्छी चीज है कि इसमें आसन बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसके साथ जो दुपट्टा मिलेगा हमको वो मल कॉटन में है, ये देखिए फुल लेंथ एंड विड्थ पे, जो कि इन्होंने विड्थ को पूरा स्टिच करके दिया हुआ है। मैंने तो हर बार की तरह उल्टा नहीं सीधा पकड़ा है, ये पूरा स्टिचिंग में दिया हुआ है। एंड ऐसे ही आपको इसमें 2 साइड बॉर्डर मिलेगा ये वाले प्रिंट में, जैसे कि कुर्ते का प्रिंट था। एंड बीच में आपको कुछ ऐसा प्रिंट मिल जाएगा जिगजैग लाइंस का, सिमिलर टू यू नो जो इसका बॉटम वेयर है। तो ये भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी लेंथ और विड्थ है इसकी। ट्राई ऑन को देखना पसंद आता है तो आप उसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी एक कुर्ता सेट। नेक्स्ट गाइस आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट, जो कि बहुत ज्यादा रीजनेबल है। ये आपको 100% कॉटन फैब्रिक में मिलेगा। इसका शेड काफी प्यारा है, राउंड नेक है इसमें और इधर फ्रंट में आपको ये पैच वर्क मिलता है जिसमें पूरा वुडन बटन का आपको डिटेलिंग मिल जाएगा। एंड कुछ इस तरीके का फैब्रिक प्रिंट है जो कि ऑल ओवर कुर्ते पे रहेगा एंड कलर कॉम्बिनेशन इसका काफी प्यारा है। स्लीव इसमें आपको 3/4 मिलती है जिसमें ये पैच वर्क दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का प्रिंट है इसमें। इसको आप घर पे हैंड वॉश भी कर सकते हो, मशीन वॉश भी कर सकते हो, इन बोथ वेज ये बहुत अच्छे से रहेगा। इसका कलर काफी प्यारा है, स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, फिट इसकी बहुत अच्छी आई है। सी कुछ ऐसा इसका लुक हो जाएगा पूरा। एंड बैक साइड पे जो है आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिल जाएगा। तो ये है गाइस इसका कुर्ता। इसका जो बॉटम वेयर है वो आपको कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, अगेन जो कि 100% कॉटन का ही है, फुली इलास्टिकेटेड है ये, आगे से और पीछे से ये इलास्टिकेटेड रहेगा। इसमें भी आसन आपको काफी अच्छा खासा दिया हुआ है एंड ऐसे 9 पैटर्न में है, पूरा ग्रीन एंड लेमन कलर की 9 है इसमें। और ये एक रेगुलर फिट का पैंट है जिसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। आप इस सेट को जो हो कंफर्टेबली दिन भर वेयर कर सकते हो, काफी प्यारा लगेगा। इसमें आपको मल कॉटन का दिया हुआ है इन्होंने दुपट्टा, जो कि फुल लेंथ एंड विड्थ पे है, ये देखिए कुछ इतनी इसकी जो है हो जाएगी विड्थ और लेंथ कंप्लीट है। इसमें आपको ये वाला प्रिंटिंग पैटर्न दिया हुआ है इन्होंने, साइड पे पूरा कुर्ते का प्रिंट है और बीच में कुछ इस तरीके का। ऑल ओवर ये ऐसे ही रहने वाला है इसका दुपट्टा कुछ ऐसा, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड आई थिंक ये शायद 550 समथिंग कुछ का कुर्ता सेट है एंड प्राइस के अकॉर्डिंगली ये बहुत अच्छा डील है, तो आप इसको जरूर ट्राई करके। नेक्स्ट कुर्ता सेट जो है वो कुछ इस तरीके का है और ये काफी प्यारा है। इसमें आपको आई थिंक 4 to 5 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हो। चंदेरी सिल्क फैब्रिक में आपको ये कुर्ता मिल रहा है और इसमें आप देख सकते हो कुछ ऐसा राउंड नेक है, बाकी इधर फ्रंट में आपको ये पूरा जिगजैग लाइंस दिखेंगी, पीच के यू नो एंड पिंक के शेड्स मिल जाएंगे। ये जो पूरा गोल्डन गोल्डन है ये जरी एम्ब्रॉयडर्ड है, ये देखिए पूरा जरी वीविंग वर्क है, तो ये एज इट इज रहने वाला है। इसका ऑल ओवर लुक जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा कुर्ते का, कुछ ऐसा। एंड इसमें आपको स्लीव दे रखी है इन्होंने 3/4 स्लीव के एंड पे, आपको ये पूरा यू नो जरी का ही वर्क दिया हुआ है, ये पैच नहीं है, ये फैब्रिक में ही है, पूरा जरी वर्क है। साथ में गोटा पट्टी की डिटेलिंग दे रखी है एंड इसका लुक जो है ऑल ओवर कुछ ऐसा रहेगा। इसके अंडरनीथ इन्होंने आपको लाइनिंग दी हुई है, तो ये आपको चुभेगा भी नहीं एंड ये कंफर्टेबली आप वेयर कर सकते हो। नीचे से आपको पूरी शैंटून की लाइनिंग मिल जाती है पीच कलर की, जो कि इसकी लुक को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना रही है। बैक साइड पर ये पूरा आपको सॉलिड कलर का मिल जाएगा एंड बैक साइड के नीचे आपको सेम वही वर्क मिल जाएगा जैसे कि इसके फ्रंट पे था, कुछ ऐसे। इसमें हमको जो बॉटम वेयर मिला है वो शैंटून फैब्रिक का ही रहेगा, पीच शेड में, फुली इलास्टिकेटेड है ये और इसमें आसन काफी अच्छा दिया हुआ है। इसकी जो फिट है वो एक रेगुलर फिट का पैंट है, नीचे आपको फ्रंट पोर्शन पे सिर्फ ये वाला पूरा गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाएगी। तो ये है इसका बॉटम वेयर।
इसके साथ जो हमको स्टोल मिला है वो कुछ ऐसा है जो कि चंदेरी सिल्क फैब्रिक में ही है। यहाँ पे इसकी लेंथ सॉरी विड्थ पे आपको ये गोटा पटरी की डिटेलिंग मिलेगी, बाकी इसमें आपको ये पूरा जरी वर्क मिल जाएगा। ये पूरा जरी वीविंग वर्क है, ये आप देख सकते हो, ये इसका फ्रंट पोर्शन है और ये इसका बैक पोर्शन है। पूरा दुपट्टा ऐसे ही रहने वाला है, बीच में आपको ये वाले पोल्का डॉट्स टाइप का कुछ ऐसा वर्क मिल जाएगा। ये देखिए साइड में आपको ये बॉर्डर्स दिए हुए हैं, बाकी आप देख सकते हो ट्राई ऑन को अगर आपको पसंद आता है। इसके सारे ही शेड्स जो है ना वो लाइट शेड में, मतलब लाइट पिस्ता कलर है, लाइट ग्रे, लाइट ब्लू कलर, इसमें पीच कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ये आपके साथ शेयर किया। ये पसंद आता है आप ये ले सकते हो, अदरवाइज और भी कलर ऑप्शंस आप लोगों के लिए हैं, उनको भी आप के ट्राई साथ कर शेयर सकते करूंगी हो। ये वाला ड्रेस जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, एंड इसमें आपको काफी सारी कलर वैरायटी मिल जाएगी। सिंपल बेसिक है, अगर आपको कुछ लाइट वेट चाहिए फेस्टिवल्स में वेयर करने के लिए तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक में मिल जाएगा, राउंड नेक है इसका, पूरा का पूरा जो है अनारकली कुर्ता ये आपको सॉलिड कलर का ही मिलेगा। तो मैंने इसमें ले लिया है ये ब्लू शेड, ये देखिए पूरा बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉलिड शेड में रहेगा। एल्बो स्लीव इसमें दे रखी है आपको, जिसमें कि पूरा जरी का एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है। तो बेसिकली इसकी स्लीव इसमें दे रखी है आपको हैवी, एंड कुर्ता एकदम प्लेन है। इसकी लुक जो है वो कुछ ऐसी हो जाती है, वेस्ट तक ये एकदम परफेक्ट फिट है। उसके बाद आप देख सकते हो इसका फ्लेयर जो है वो कुछ इतना रहेगा। ये देखिए लेंथ इसकी बहुत अच्छी खासी है, फ्लेयर भी इसका अच्छा है। नीचे से आपको इसमें लाइनिंग दे रखी है तो ये सी थ्रू नहीं रहेगा, एंड बैक साइड पे भी आपको पूरा प्लेन मिल जाएगा। एंड बैक साइड पे भी जो है ये आपको पूरा प्लेन मिल जाएगा। इसके साथ जो दुपट्टा दिया है इन्होंने वो सॉलिड कलर का ही है, ब्लू शेड का ही रहेगा, जॉर्जेट फैब्रिक का। स्टोल है इसकी जो विड्थ है वो कुछ इतनी है, लेंथ इसकी पूरी है, सेम शेड का एकदम प्लेन है। इसको जो वो आप यू नो स्टाइल अप कर सकते हो, आपके पास कुछ गोल्डन कलर का यू नो जैसे इलास्टिकेटेड बेल्ट वगैरह होती है स्प्रिंग वाली, वो यू नो पेयर अप कर सकते हो तो इसकी लुक और भी ज्यादा एनहांस हो जाएगी। इन बजट है आई थिंक समवेयर अराउंड 500 कुछ का ही है ये, तो पसंद आता है आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी एक डिफरेंट सा ड्रेस जिसमें आपको क्रॉप टॉप प्लाजो और ऊपर से श्रग मिला है जो कि काफी ज्यादा प्रिटी लगता है। तो सबसे पहले मैं इसका क्रॉप टॉप आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सिंपल सा आपको ये क्रॉप टॉप मिल जाएगा। इसका फैब्रिक है फॉक्स जॉर्जेट, एंड ये आपको कुछ इस तरीके के नेक में मिलेगा। मल्टी कलर का फ्लोरल प्रिंट इसमें दिया हुआ है आपको, काइंड ऑफ अ ब्लाउज, एंड इधर जो है ना आपको इसमें दे रखी है इन्होंने ये जिप क्लोजर, सो दैट आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते। साइड में आपको ये जिप क्लोजर दिया हुआ है इन्होंने यहाँ से, तो आप इसको कंफर्टेबली पहन सकते हो। एंड बेसिक है पूरा प्रिंट आपको ये मिल जाएगा। इसके साथ इन्होंने हमको दिया है बॉटम वेयर जो वो एक प्लाजो है, ये देखो ये रहा, यहाँ पे आपको ये जो है पूरा ड्रॉ स्ट्रिंग दे रखा है इसमें, तो इसको जो है ना आप अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंगली पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो जितनी आपकी वेस्ट है, एनीवेज इसमें आपको साइज सारे मिल जाएंगे, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप इसको टाइट कीजिए। आसन इसमें बहुत अच्छा खासा है, और इसका फ्लेयर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इतना है, ये देखो कुछ ऐसा पूरा पैनल्ड प्लाजो है। इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है, सेम यही प्रिंट आपको मिल जाएगा, फैब्रिक इसका बहुत सॉफ्ट है, एंड ये वेयर करने के बाद काफी डिफरेंट भी लगता है। अंडरनीथ इसमें ना आपको लाइनिंग दी हुई है तो ये सी थ्रू नहीं रहेगा। नाउ इन सभी के ऊपर से इन्होंने आपको दे रखा है श्रग जो कि सेम फैब्रिक में रहेगा। एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कुछ ऐसा है ये, यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाएंगी 3/4, सेम यही प्रिंटिंग पैटर्न है, सेम फैब्रिक है। बीच में आपको ये डोरी दे रखी है इन्होंने जिसमें कि ये प्यारे से यू नो इतने बड़े बड़े टैसल्स दे रखे हैं आपको ब्लू कलर के एंड गोल्डन कलर के। फ्रंट इसका पूरा ओपन है, एंड ये पैनल्ड यू नो आपको एक यू नो कुर्ते का स्टाइल देती है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ओवरऑल। तो आपको यू नो कुछ इंडो वेस्टर्न टाइप्स वेयर करने का मन है या कुछ डिफरेंट ड्रेस चाहिए, क्योंकि मीशो पे इस तरीके की ड्रेसेस बहुत रेयर देखने को मिलती है, यू नो डिफरेंट है, अच्छी भी लगती है, एंड इसका ओवरऑल जो कलर कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्ट है वो भी काफी प्यारा है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते आपके हैं। साथ शेयर करूंगी मैं एक प्यारी सी मैक्सी ड्रेस जिसको आप एज अ मैक्सी ड्रेस भी पहन सकते हो, एज अ यू नो कुर्ती भी पहन सकते हो। और मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं मुझे क्या ही रिसीव होगा, बट एक्जैक्टली मुझे वही मिला। और आजकल इस तरीके के प्रिंट ना बहुत ज्यादा चल रहे हैं मीशो पर, मैंने पीछे भी आप लोगों के साथ आई थिंक शायद फ्राइडे को कुछ इसी तरीके के यू नो सेट्स शेयर किए, बहुत प्यारे थे। तो इसका जो फैब्रिक है वो है रियॉन, एंड यू कैन सी इसमें आपको राउंड नेक मिलेगा, बहुत ही प्यारा प्रिंट है इसमें, कुछ इस तरीके का व्हाइट एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है। स्लीवलेस है ये, और इसमें जो है आपको थ्रू आउट यही प्रिंट मिलने वाला है कि पैनल्ड बेस तक एकदम फिट रहेगा, उसके बाद ये पैनल्ड है तो इसका घेर जो है बढ़ता जाएगा कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे इसकी लुक है। तो ये एज अ ड्रेस बहुत ज्यादा प्रिटी लगेगी, व्हाइट कलर के स्नीकर्स इसके साथ आप पेयर कर सकते हो। बैक साइड पे भी ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे है, लाइट वेट है, समर अप्रोप्रिएट इसका फैब्रिक है, एंड ये इन बजट है। तो कुछ इस तरीके की ड्रेसेस यू नो वेकेशन में जा रहे हो या फिर कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हो उस पर्पज के हिसाब से बहुत अच्छी है, और
अगर आप इसको एज अ मैचिंग ड्रेस वेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हो, आप इसके साथ व्हाइट कलर के पैंट्स वगैरह वेयर कर सकते हो तो ये चल जाएगा. बट येस, एज अ मैचिंग ड्रेस दिस इज लिटरली वेरी ब्यूटीफुल, तो इसको जरूर ट्राई सो आई करिए. होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपके यूजफुल रहा होगा. सबके लिंक्स दे रखे हैं नीचे, उनको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आज तो ये आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट में मिल जाएंगे. इसी तरीके के प्यारे प्यारे फेस्टिव एडिट्स मीशो से या अमेजोन और भी बहुत सारी जगहों से आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर करूंगी. तो चैनल के साथ बने रहिएगा, और जब तक मैं आती हूँ नेक्स्ट वाला वीडियो, तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब सारा ध्यान रखिए. टिल देन स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ड. सी यू.